तो चलिए आइए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा, जैसे कि आप जानते हो, हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज चल रही है और आज का लेक्चर नंबर है 7वां। ठीक है, इससे पहले के जो 6 लेक्चर रहे, उनमें से जो शुरू के 3 लेक्चर थे, उसमें मैंने आपको सिर्फ कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था। तो लगभग 3.5 से 3 घंटा आपको सिर्फ कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया गया, और बिल्कुल जीरो से लेकर के और जे एडवांस लेवल तक का कंस्ट्रेंट मोशन मैंने आपको आपके लिए कवर किया। इसके बाद जो चौथा लेक्चर था, चौथे लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि भाई साहब सवाल बनाने कैसे हैं, सारी की सारी टेक्निक्स जो होती हैं सवालों को बनाने की, ये फोर्थ लेक्चर में आप लोगों को दे दी गई थी, है ना। इसके अलावा जो फिफ्थ लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ नॉर्मल फोर्सेस की चर्चा करी थी कि नॉर्मल फोर्सेस कैसे होते हैं और नॉर्मल फोर्सेस के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, ये बात हो गई। जो छठा लेक्चर था, उसमें स्ट्रिंग एंड पुली प्रॉब्लम्स के बेसिक सवाल कराए गए थे और कंसेप्ट बनाया गया था कि देखो इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, आज की जो वीडियो होने वाली है हमारे लेक्चर नंबर 7, उसमें भी हम लोग स्ट्रिंग और पुली प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करेंगे, उसका पार्ट 2 हो जाएगा ये। और आज जो सवालों का लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस रहेगा, ठीक है। पिछले वाली वीडियो से बहुत अच्छे लेवल के सवाल आज की वीडियो में कराए जाएंगे और मजा आ जाएगा भाई साहब, एकदम जबरदस्त मजा आ जाएगा। समझाने की गारंटी मेरी, अच्छा कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी, परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है भाई साहब, है ना। तो वीडियो को जगह जगह पर हम लोग स्टॉप करेंगे, है ना, बिल्कुल जगह जगह पर। अगर नहीं समझ आए तो रिवाइंड भी करके देखेंगे, ऐसा लगे कि मैं तेज बोल गया तो थोड़ा सा उसको स्लो करके भी देखेंगे, है ना। और फिर भी नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट कर देंगे कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, सर आप एक बार बता दीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में आकर उसे बता दूंगा, कोई खास बात नहीं है। बात समझ आ गई ना, पक्का पक्का। अच्छा, इसकी जो वर्कशीट है पूरी की पूरी एनएलएम की, वो पहले से मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं, है ना। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, कोई खास बात नहीं इसमें। ठीक है, आ जाओ मेरी बात समझ, देखो ध्यान से देखो। तो आज भी हम लोग स्ट्रिंग और पुली प्रॉब्लम्स की चर्चा करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, कोई खास बात नहीं है इसमें, नॉर्मल सी बातें हैं, आ जाओ सुनो। तो सवालों का लेवल आज भी बिल्कुल थोड़ा नीचे दर्जे से शुरू करेंगे और फिर बढ़ाते 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 अच्छे सवाल करने लग जाएंगे। अच्छा सुनो, अगर कंसेंट मोशन वाली वीडियो नहीं देख करके आ रखे हो ना, तो यार जो पुली कंसेंट है ना, बस एक वो देख लो यार, बाकी दो मत देखना, पुली कंसेंट देख लेना। ऊपर लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, उसको देख लेना यार, क्योंकि आज मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूं, फिर तुम्हें बोले ऐसा कैसे कर रहा है ये, है ना, तो देख लोगे तो बहुत मजा आएगा फिर। ठीक है, चलो आ जाओ सुनो। तो क्या सवाल बोला गया, सवाल कुछ इस तरह से बोला गया कि मान लीजिए ये है छत, ओके ये है छत, बोला गया, बहुत बढ़िया। और बेटा यहां से ना हमने एक पेंडुलम को लटका रखा है, और सिर्फ लटका नहीं रखा, उसको बांध भी रखा है। कैसे बांध रखा है, ऐसे, है ना, ये है हमारा पेंडुलम, और इसका जो मास है ना, ये मास है m, ओके। तो एक रस्सी तो ये रही ऊपर की तरफ, है ना, और बोला गया कि एक रस्सी ये रही, ठीक है, और यहां भी दीवार से सपोर्ट दे करके इस रस्सी को ऐसे बांध रखा है, ठीक है। और क्या बोला गया, बोला गया कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 37 डिग्री। कितना एंगल है, 37 डिग्री। तो आपको सवाल पता है क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया कि भाई साहब ये इस समय इक्विलिब्रियम में है, ऑब्वियसली कहीं नहीं जा सकता ये मास, तो इसको तो यहीं रहना होगा। तो सवाल क्या बोला गया है, सवाल बोला गया कि इस रस्सी में जो टेंशन है वो T1 मान लो, इस रस्सी में जो टेंशन है वो T2 मान लो, और तुमको बोला गया कि फाइंड आउट, तुमको बोला गया कि फाइंड आउट T1 एंड T2, ठीक है, तुमको बोला गया कि T1 और T2 बताएं। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, मैं तो कहता हूँ वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, और मैं तो कहता हूँ मेरे कराने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतना सवाल तो अपने को आना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में ऐसा कर रहा हूँ कि हम लोग देख करके आए, और देख करके आए तो बिल्कुल टाइम पास का सवाल है ये, ना, कर दो भाई साहब, जल्दी 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 करो भाई साहब, करो, तभी तो मजा आएगा, है ना, तभी तो स्वाद आएगा इस चैनल पर आने का, तो मजा तभी है जब हम लोग सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, नहीं तो मजे वाले तो और भी बहुत सारे चैनल है भाई साहब, वहां पर भी जा सकते हैं, है ना। चलो मैं ऐसी ऐसा करूं, हमने एक बार अटेम्प्ट कर लिया इसको, एकदम पक्का मैं कराऊं। अच्छा सुनो, देखो क्या टेक्निक्स होती थी कि रस्सी में टेंशन निकालने के लिए रस्सी के ऊपर एक कांटा मार दें, लो भाई साहब कांटा मार दिया और लिख दो टेंशन, तो इसमें टेंशन लिख दी हमने T1, ठीक है। ऐसे यहां पर रस्सी में टेंशन निकालने के लिए उसके ऊपर एक कांटा मार दें और लिख दें टेंशन, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अलावा देखो, इस मास के ऊपर एक फोर्स और लग रहा है नीचे की तरफ, और वो फोर्स कितना है, mg, कितना है वो mg, इसमें कोई परेशानी नहीं है, है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसी ब्लू लाइन को अगर मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दूं, देखो मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, सुनो, अगर ये एंगल 37 है तो पक्का पक्का ये एंगल भी कितना होगा, अरे 37 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तू सोच करके देख बेटा, तो यहां पर देखो आप मास m पर बैठ करके देखो, तो आपको देखो T1 की एरो ऐसे नजर आ रही होगी, है ना, ऐसे नजर आ रही ना, ऊपर की तरफ नजर आ रही ना। अच्छा मतलब कि मास m पर बैठकर देखूं तो टेंशन इस तरफ है, तो ये ऊपर T का cos 37 और इस तरफ T का sin 37, हमें कंपोनेंट तोड़ने आते हैं ना,
सीखा रखा है ना वेक्टर में ढंग से एकदम, मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, सीख करके आना है उसको, नीचे लिंक पड़ा हुआ है देख करके आना। देखो मास एम पर बैठ जाओ तो एरो दिखेगी ऐसे ऊपर की तरफ, देखो ध्यान से देखो, तो ये टी वन है इस तरफ, ये टी वन है और ये वो वर्टिकल लाइन है, और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है बीच का ये 37 है, तो ये टी वन का कॉस 37 और ये टी वन का साइन 37, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये ऊपर की तरफ जो आ गया, ये जो आ गया, ये दिस इज टी वन का कॉस 37, दिस इज टी वन का कॉस 37, और जो इस तरफ आ गया दिस इज टी वन का साइन 37, दिस इज टी वन का साइन 37, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बोला हाँ सर, बात तो आपकी समझ आती है ना। अब सोच करके देखो, क्या ये एम मास जो है क्या ये नीचे जा रहा है? बोला नहीं। क्या ये हवा में उड़ गया? बोला नहीं। इसका मतलब कि टोटल ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू टोटल नीचे की तरफ वाले फोर्स है कि नहीं? इसका मतलब ऊपर की तरफ वाले फोर्स इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, इसका मतलब कि टी वन का कॉस 37 इज इक्वल टू एम इन टू जी। बोला हाँ सर, बात तो समझ आती है ना। तो टी वन और कॉस 37 माने कितना? अरे ये तो 4/5 होता है और सामने तो एम जी हो गया, तो भाई साहब टी वन कितना आया? ये आया 4/5 इंटू एम जी, हो गया टी वन, निकल गई टी वन। और क्या पूछा था? और टी टू भी तो पूछा था, तो टी टू भी निकाल लेते हैं। सुनो बहुत आसान है। तो देखो, क्या ये मास इधर जा रहा है क्या? राइट में जा रहा है क्या? बोला नहीं। क्या लेफ्ट में जा रहा है क्या? बोला नहीं। इसका मतलब कि राइट की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट की तरफ वाले फोर्स, क्योंकि राइट की तरफ वाले फोर्स ज्यादा होते तो राइट में भाग जाता, लेफ्ट की तरफ वाले ज्यादा होते तो लेफ्ट में भाग जाता, परंतु ये तो कहीं भी नहीं भागा। इसका मतलब कि इधर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू इधर की तरफ वाले फोर्स। बोला हाँ सर, बात तो समझ आती है। तो यही लिख देते हैं, आ जाओ सुनो देखो। तो क्या लिखा गया? ये लिखा गया कि टी वन का साइन 37 इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी टू, और टी वन तो मैं पहले से निकाल के बैठा हूं, वो तो 4/5 तो 5/4 एम जी है, वो तो कितना है? 5/4 एम जी है भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो 5/4 और साइन 37, साइन 37 वो कितना होता है भाई साहब? 3/4 होता है। हाँ भाई बहुत बढ़िया, 3/5 होता है, कितना होता है? 3/5, हाँ बहुत बढ़िया, 3/5 होता है, अच्छा बहुत बढ़िया। और सामने आया टी टू, भाई साहब 5 ने 5 को मार दिया, तो टी टू कितना आ गया? टी टू आ गया 3/4 न्यूटन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। साथ में एक एम जी भी था, है ना, तो साथ में एक एम जी भी था, तो उस एम जी को भी ले लो। लो भाई साहब, तो यहाँ पर एम जी को भी ले लेंगे, तो 3/4 एम जी और साथ में न्यूटन, है ना, क्योंकि वो तो यूनिट होती है, साथ में न्यूटन। ऐसा आसान सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, पक्का। अच्छा तुमसे देखो एक फालतू टाइम पास सवाल पूछूं, एकदम टाइम पास, सुना, देखो ध्यान से देखो। तुमको बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है, कैलकुलेशन साथ साथ चेक करते चलना, हो सकता है क्योंकि सामने तो बेटा सिर्फ कैमरा है ना, अब ऑफलाइन में तो सामने 500 बच्चे बैठे होते हैं, तो थोड़ा भी इधर उधर होगा तो बच्चा बोल देगा सर वो कैलकुलेशन एरर हो गया है, या ये कैमरा तो मेरे को कुछ बताना भी नहीं वाला है, ये तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करता रहेगा बस। हाँ मास्टर तू बोल, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, बाद में दिखा दूंगा मैं बच्चों को क्या पढ़ाता है तू, है ना। यहाँ देखो बोला गया ये 37 डिग्री का एंगल है ऐसे वैजे, ठीक है, और बोला गया कि एक ये डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है बोला गया मान लो 10 किलो का, ठीक है 10 किलो का भाई बहुत बढ़िया, एक रस्सी से जुड़े हुए हैं और ये एक और डब्बा है, ठीक है, ये पीछे एक और डब्बा है और ये डब्बा है 5 किलो का, ये डब्बा है 5 किलो का, और कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेसेस हैं। कैसे हैं? कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेसेस। बोला बहुत बढ़िया भाई, कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेसेस, है ना, ऐसा है कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेसेस। पता है तुम्हें क्या बोला गया है, तुम्हें क्या पूछा गया है? तुम्हें ये पूछा गया है कि बेटे जो रस्सी है ना, ये जो रस्सी है, इस रस्सी में आपको टेंशन बतानी है, यू हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, ये तुम्हें अपना होमवर्क प्रॉब्लम समझ लो, ठीक है। और नीचे जो बच्चा कमेंट करके बताएगा ना यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसका मतलब वही बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बाकी बच्चा कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है भाई, है ना। ये जो रस्सी है ना बीच में, इस रस्सी में भाई साहब टेंशन बतानी है अपने को, ये अपना सवाल है, बोलो करोगे ना। और नीचे होमवर्क क्वेश्चन है, ये नहीं हो तो नीचे कमेंट कर देना कि सर वो हो नहीं पाया था, तो अगली वाली वीडियो में मैं ले लूंगा उसको, कोई खास बात थोड़ी है उसके अंदर, नॉर्मल बात है वो, है ना। चलो इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर वो जो पहला होमवर्क क्वेश्चन था उसका आंसर टेंशन इज इक्वल टू इतना है। बोलो बात समझ आ गई? पक्का 100% बता दोगे ना? चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे सवालों का लेवल और बढ़ा देता हूं। आओ बेटा देखो एक और ही बहुत बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखना, और बहुत ही जानदार सा सवाल है, ठीक है, अच्छा लगेगा तुमको। देखो बोला गया कि मान लीजिए इस तरह से ना ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये जो एंगल है ना, बोला गया इस एंगल को आप लोग 30 डिग्री मान लो, कितना मान लो? 30 डिग्री मान लो। बोला अच्छा बहुत बढ़िया,
और इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस प्रकार का हमने इंक्लाइंड प्लेन ऐसे बना दिया, ठीक है। और यहां पर लगाई हमने एक पुली, बोला ठीक है। और यहां पर भी लगाई हमने एक पुली, बोला ठीक है। और यहां पर एक है डब्बा, बोला ये भी ठीक है ना। और डब्बे से एक रस्सी निकली और रस्सी निकल करके ऊपर से यहां से एक और डब्बे से जुड़ गई, बोला ठीक है ना। यहां से एक और रस्सी निकली है ना, और ये रस्सी निकल करके है ना, थोड़ा अच्छे से निकालते रस्सी, रुको है ना, मजा नहीं आता इसमें। फिर डायग्राम जितना अच्छा बनेगा ना स्वाद उतना ही आएंगे भाई साहब, डायग्राम अच्छा नहीं बने तो फिर स्वाद नहीं आता है ना। लो भाई साहब ये हमारा पुली, छोटा सा पुली, और यहां से एक और डब्बा, बोला सर ठीक है। इतनी बात भी समझ आती है। मैंने बोला कि डब्बा है ना ये 2 किलो का डब्बा है, ठीक है, और ये भी जो डब्बा है ना ये 2 किलो का डब्बा है, और ये कुछ भी एम मास है, ये क्या है, कुछ भी एम मास है। अब सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास एम सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये सवाल है भाई साहब, और सवाल वाकई में बहुत जानदार है, एक नंबर का सवाल है, बिल्कुल मजा आ जाएगा है ना। करके देखो भाई साहब, ऐसा बोल रहा है कि इस मास m की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह जाए, मतलब कि ना तो डब्बा नीचे जाए ना ऊपर जाए, ना ये डब्बा नीचे जाए ना ऊपर जाए, ना ये डब्बा नीचे जाए ना ऊपर जाए, ऐसा ही रहे भाई साहब, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, कि नेट फोर्स जीरो हो जाए है ना। करोगे बार अटेंड, मैं करा दूं, लोगे ना 2 मिनट का समय, मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे पॉज करो, उसके बाद भाई साहब खुद से ट्राई करो, करो करो करो। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, तुम्हें नहीं कह रहा हूं सम सवाल करो है ना। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, ये गोरा रंग काला ना पड़ जाए। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, ये गोरा रंग काला। हो गया होगा ना पक्का, सोच लो, ऐसे बीच बीच में टाइम पास करते रहना चाहिए, थोड़ा सा मन लगा रहता है उससे पढ़ाने में भी, और तुम्हारा मन लगा रहेगा पढ़ने में भी, ठीक है ना। आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, करते इसको सॉल्व, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सुन, मैंने बोला अच्छा नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो रहा होगा कुछ भी mg है ना, इस रस्सी में जो टेंशन है उसको T1 बोल देता हूँ, ठीक है, क्या बोल देता हूँ, T1 बोल देता हूँ। तो ये भी रस्सी में टेंशन T1 हो गई होगी है ना, इसको कुछ भी T2 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, T2 बोल देते हैं। तो ये भी क्या रही होगी, T2 रही होगी, और नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो रहा होगा 20 न्यूटन, कितना रहा होगा 20 न्यूटन। हम ऐसा मान रहे हैं कि चलो मान लो सिस्टम चल नहीं रहा, उसके लिए हमें m बताना है, उसके लिए हमें क्या बताना है, m बताना है, बात समझ आ रही है ना, पक्का ना। अच्छा सुनो ध्यान से देखो, मैं बोला कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मैंने बोला ठीक है इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि ना तो ये डब्बा नीचे जा रहा है ना ये डब्बा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, क्योंकि अगर डब्बा नीचे जाता मतलब mg बड़ा होता, ऊपर जाता मतलब T1 बड़ी होती, परंतु दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है सिर, तो कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब कि T1 इज इक्वल टू mg। बोला हाँ सर बात समझ आई, बिल्कुल सर आपकी बात समझ आई सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां सुनो, ये 2 किलो का डब्बा ना तो नीचे जा रहा है ना ये 2 किलो का डब्बा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, इसका मतलब कि T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बोला हाँ सर ये बात भी आपकी समझ आती है। और सुनो भाई साहब, देखो ध्यान से देखो, तो क्या ये 20 न्यूटन बिल्कुल नीचे लग रहा होगा, बोला हाँ सर बिल्कुल लग रहा होगा है ना। अच्छा सोच करके देखो, तो ये जो कंपोनेंट है ये है 20 का cos 30, ये कौन सा है 20 का cos 30, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 हो जाता है ना, ये सब बातें मैं बता चुका हूं पहले है ना, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। और सोच करके देखो, तो इस 20 का जो sin 30 है वो यहां लग रहा होगा नीचे की तरफ है ना, समझते हो ना, कंपोनेंट तोड़ना आता है ना, पिछली वीडियो में सिखाया था भाई साहब है ना। और ये जो येलो एरो है ये किसको बताती है, ये हमें बताती है 20 के साइन 30 को बताती है भाई साहब, हाँ ये बात तो समझ आती है। और ये डब्बा भी चल नहीं रहा, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, तभी तो डब्बा नहीं चल रहा, नहीं तो चल रहा होता। बोला हाँ सर, तो इस डब्बे पर बैठ जाओ, इस डब्बे पर बैठ कर देखो, सिर्फ T1 है जो ऊपर खींच रही है, इसके अलावा T2
और 20 का साइन 30, वो दोनों नीचे खींच रहे हैं भाई साहब, तो ये दोनों इज इक्वल टू दिस फोर्स, क्योंकि अगर ये फोर्स ज्यादा होता तो ये ऊपर चढ़ जाता, ये ज्यादा होते तो नीचे फिसल जाता, परंतु दोनों में से तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि भाई साहब T1 इज इक्वल टू T2 और प्लस 20 साइन 30। चलो अब सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं, देखो क्या बनता है। T1 कितना है? T1 तो है m इंटू जी। T2 कितना है? 20 प्लस साइन 30 कितना होता है? तो 1/2 होता है, तो 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो 10 आ जाएगा। हाँ ना बोलो, है ना। तो m और g कितना है? g तो 10 है, और सामने कितना हो गया? ये तो 30 हो गया, जीरो ने जीरो को मार दिया, तो m कितना आ गया? ये तो भाई साहब 3 kg आ गया। कितना आ गया? 3 kg। तो ये तो बहुत आसान सवाल है ना, क्या बताऊं इसमें, तो नॉर्मल सवाल है कि नहीं? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मैं समझू, हमें समझ आया? अच्छा, इसमें मैं तुमसे ना एक सवाल और पूछ सकता था, पता है क्या मैं पूछता? कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस पुली। मैं पूछता कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस पुली। इस तरह का सवाल भी पिछली वीडियो में आपको करा दिया गया था, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये मेरे लिए बिल्कुल आसान सवाल है क्या? सोच, ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल तो 60 है ना, एंगल कितना है? 60 है ना। अब आप खुद से सोच करके देखिए कि अगर मान लीजिए ये हमारी पुली रही होती, तो एक देखो ये T1 तो लग रहा है नीचे, और एक T1 लग रहा है ऐसे, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60, उनके बीच में जो एंगल है वो है 60। तो जो नेट फोर्स ऑन द पुली आता, नेट फोर्स ऑन द पुली जो आता, वो आता अंडर द रूट T1 का स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 2T1 का स्क्वायर और साथ में cos 60। साथ में क्या आता? cos 60। और cos 60 कितना होता है? वो तो 1/2 होता है। अरे कितना होता है? वो तो 1/2 होता है। तो उस 2 से ये 2 मर जाता, तो ये जाता अंडर द रूट और 3 और T1 स्क्वायर, तो अंडर द रूट 3 और साथ में T1, अंडर द रूट 3 और साथ में T1, ये हो जाता नेट फोर्स। अरे ये हो जाता नेट फोर्स ऑन द पुली। तो एफ नेट ऑन द पुली भाई साहब कितना आता? अंडर द रूट T1। T1 कितना है? T1 तो mg के ही बराबर है, मतलब 30 हो जाता है ना, 30 हो जाता। तो भाई साहब क्या लिखते हैं हम लोग एफ नेट? हम लोग एफ नेट ये लिखते 30√3 N। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह के सवाल अपने से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, परंतु अगर अपने बेसिक कंसेप्ट एकदम ढंग से क्लियर है, तो अपने कोई फालतू टाइम पास सवालों के लिए कोई खास परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें समझ आ गया होगा यार, एकदम पक्का है ना? सोच ले, नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि सर नहीं आ रहा, सर या यहाँ पर सर प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, या यहाँ पर आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया है, वो भी आप लोग बता सकते हो, तो मैं फिर आपके कमेंट को पिन करके ऊपर ले आऊंगा, ताकि फिर बाद में किसी और बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। वैसे मुझे बताना कि पढ़ाया हुआ सही लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है अपने को, बिल्कुल भाई साहब ऑर्डरली ढंग से लगाया हुआ है ना। हाँ ये बात मैं मानता हूँ यार, आजकल वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं, है ना, पहले जैसे रेगुलर आ रही थी, अभी जैसे 3-3 दिन का भी गैप हो जा रहा है बीच में, तो यार उस चीज के लिए मैं सही में बड़ी मैं क्षमा चाहता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा है भाई साहब, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5-6 पता नहीं कितना बजे है कुछ नहीं पता, तो इसलिए बड़ा मैं कोशिश करता हूं कि मैं रात के टाइम आप लोगों के लिए काम करूं ही करूं यार, है ना। तो अब आने वाले समय में अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी इसको थोड़ा रेगुलर कर लेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि हर दिन वीडियो आए भाई साहब, है ना, बीच में दिन मिस ही ना हो, स्किप ही ना हो आप लोगों का, है ना। चलो तो क्या मैं ऐसी आशा करूं हमें समझ आया है ना, अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो, एक और बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें बताता हूं, देखो क्या सवाल है ना, उसके बाद फिर अपन सीधा कंस्ट्रेंट मोशन वाले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ चलेंगे, ठीक है, मजा आएगा बहुत, सुनना मेरी बात। बोला गया कि जैसे मान लो ये एक ना धरती माता है, ठीक है, बोला ठीक है सर मान लिया, है ना। अब इसके ऊपर यहां पर रखी गई है एक रॉड, ठीक है, यहां पर एक रॉड रखी गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई सब, ये रॉड है, ठीक है। बोला गया कि रॉड की जो लेंथ है ना वो कैपिटल एल है, और हम क्या कर रहे हैं, हम इस एंड पर एक एफ फोर्स लगा करके इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी रॉड जो है वो आगे की तरफ खींचने लग जाएगी। हाँ ये तो नॉर्मल बात है बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें सवाल क्या बोला गया सुनना, सवाल ये बोला गया कि जिस एंड पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, उस एंड से कहीं भी एक्स दूरी दूर, उस एंड से कहीं भी एक्स दूरी दूर, यू हैव टू फाइंड आउट द टेंशन, यू हैव टू फाइंड आउट द टेंशन। सोचो जब रॉड खींच रही होगी तो रॉड के अंदर एक इंटरनल टेंशन डेवलप हो जाएगी ना, अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो सवाल यही बोला गया, क्या बोला गया कि फाइंड आउट द टेंशन इन द रॉड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ। ये सवाल अपने को बोला गया, ठीक है। मैं तो कहता हूं वीडियो को एक बार यहीं स्टॉप कर लो और खुद से करने का ट्राई कर लो, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं है, मैंने तो करा नहीं है, परंतु एक बार अगर खुद से ट्राई कर लोगे तो थोड़ा मन में रहेगा, हाँ यार देख मैंने ट्राई किया, हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं हुआ तो मैंने तो कराना ही है। करो करो करो। हुआ पक्का? मैं कर रहा हूं हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो मैंने तो कराना ही है ना। सुनो मेरी बात सुनो बेटा, देखो रॉड का ना हमें मास यहां पर नहीं दिया गया है, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कुछ भी, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी मान लेता हूं कि मान लो एम है, ठीक है, लेट कर लो, ठीक है, तो दिया हुआ नहीं तो आंसर में भी नहीं आना चाहिए। बोला हाँ सर आंसर में तो नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। बेटा टेक्निक जानते हो क्या है, इस तरह के सवालों में सिर्फ एक ही टेक्निक लगाई जाती है कि जहां पर भी आपको टेंशन निकालनी हो ना वहां से आप रॉड को तोड़ दो, वहां से आप रॉड को तोड़ दो और तोड़ करके उसे दो रॉड बना लो और बीच में एक पतली रस्सी से कनेक्ट कर लो। बीच में क्या कर लो, एक पतली रस्सी से कनेक्ट कर लो। अच्छा सोच करके देखो, अगर इसका जो मास है अगर मैंने एम मान लिया तो इस पूरी रॉड का, रॉड के हर एक पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो तो सेम रहने वाला है ना। हाँ भाई सेम ही तो रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन अगर सेम रहेगा तो वो एक्सेलरेशन रहेगा कितना, वैसे सुनो वो जो एक्सेलरेशन रहेगा ना वो रहेगा कितना, एफ बाय एम। कितना रहेगा, एफ बाय एम। रोड पर के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एफ बाय एम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, देखो जहां से भी अपने को टेंशन निकालनी हो वहां से अपन रोड को तोड़ देंगे। सुनो मैंने तोड़ दिया, मैंने कहा लो भाई जहां से भी हमें टेंशन निकालनी थी वहां से हमने रॉड को तोड़ दिया। बोला हाँ सर तोड़ दिया सर हमने, है ना, और तोड़ करके बीच में एक पतली रस्सी से कनेक्ट कर लिया, है ना, तोड़ करके बीच में एक पतली रस्सी से कनेक्ट कर लिया। सोचो ये जो दूरी थी, ये दूरी थी x, ओके, और ये जो दूरी है ये दूरी कितनी बची फिर, l माइनस एक्स। अरे कितनी बची, l माइनस एक्स। और जहां पतली सी रस्सी से तोड़ दिया, अब इस पतली सी रस्सी में कोई भी टेंशन मार्क कर दो और बेटा ये टेंशन ही आपको निकालनी है, यही आपका चैलेंज है। बस ये टेंशन आ जाएगी तो रॉड में टेंशन आ जाएगी, इसमें कोई खास बात नहीं है, है ना। आओ मेरी बात सुनो, तो हो गया सवाल तो, है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अगर एल लेंथ में जो मास है वो एम है, अगर एल लेंथ में जो मास है वो एम है तो यूनिट में कितना होगा, बोलो यूनिट में कितना होगा, एम बाय एल होगा। देखो सुनो मैं तुम्हें इस वाले पोर्शन का मास निकालने को कह रहा हूं, कैसे निकाले है? सुनो मेरी बात बेटा, अगर l लेंथ में जो मास है वो m है तो जो यूनिट में होगा वो कितना होगा, m by l होगा, और l माइनस एक्स में कितना होगा तुम बताओ, l माइनस एक्स में कितना होगा, m डिवाइड बाय l और इंटू l माइनस एक्स, इतना मास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तो ये इसका मास है, इसको कुछ भी m डैश बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, कुछ भी m डैश बोल देता हूं, इसका मास क्या बोल देता हूं, कुछ भी m डैश बोल देता हूं। सोचो जब ये F फोर्स तुम लगाओगे, जब ये F फोर्स जब तुम लगाओगे तो ये M डैश मास भी आगे खींचेगा, हाँ बिल्कुल खींचेगा। तो इस M डैश को खींचने वाला कौन है, ये F फोर्स है या ये टेंशन है कोई और है, तुम बताओ। इस M डैश को तो खींचने वाली ये टेंशन ही है ना। हाँ सर आपको कैसे पता चला सर, अरे भाई इस पर खड़े हो जाओ, खड़े होकर के देखो तो आपको टेंशन की एरो देखो ऐसे नजर आएगी, आ रही है ना, तो मतलब के इस मास को खींचने वाली तो ये टेंशन ही है, तो यही नेट फोर्सेस के ऊपर। तो भाई साहब दिस टेंशन इज इक्वल टू दिस एम डैश और इनटू इसी का ही एक्सेलरेशन। हाँ बात तो समझ आती है सर, है ना। तो ध्यान से देखो, तो एम डैश की वैल्यू रखो वहां पर क्या आएगी, ये आएगी एम बाय एल और इंटू एल माइनस एक्स, और ये एक्सेलरेशन ये तो मैं पहले से निकाल करके बैठा हूं, कितना है ये तो एफ बाय एम है, एम ने एम को मार दिया, इस एल को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो टेंशन क्या जाएगी F, और देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस और x बाय l, है ना, दिस विल बी द टेंशन, दिस विल बी द टेंशन। जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं वहां से कहीं भी x दूरी दूर इतनी टेंशन मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे सोच करके देखो, तो इसी नुक्कड़ पर टेंशन निकालनी हो तो x को क्या कर दूं, जीरो कर दूं। देखो x को जीरो करते देखो क्या आ जाएगा, सोच करके देखो x को जीरो कर दो तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो गई, तो टेंशन देखो फोर्स के बराबर आ गई, टेंशन देखो फोर्स के बराबर हो गई। और बिल्कुल दूसरे वाले एंड पर अगर निकालनी पड़ जाए तो वहां पर एक्स की वैल्यू कितना कर देंगे, एल कर देंगे, तो एल बाय एल कितना हो जाएगा, वन, तो वन माइनस वन जीरो, तो भाई साहब इस वाले एंड पर जो टेंशन है कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना, मैं क्या बोल रहा हूं, इसे रस्सी को लेना और रस्सी का एक टुकड़ा पकड़ करके और खींचने लग जाना, तो जहां से तुमने पकड़े उसके खींच रहे हो तो उस वाले एंड पर तो टेंशन उतनी ही रहेगी जितना फोर्स तुम लगा रहे हो, और रस्सी का जो दूसरा एंड है ना वो पीछे ऐसे ऐसे करता आ रहा होगा, ऐसे करता आएगा, ऐसे हिल रहा है ना, तो उसमें कहां है टेंशन, जो आखिरी जो एंड होगा उसमें कोई टेंशन नहीं होती। देखो मैथमेटिकली भी प्रूव कर दी हमने,
अरे हाँ ना तो बोलो, बात समझ आई है? पक्का? अरे सोच लो अच्छे से, ठीक है? चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। आओ बेटा सुनो, देखो अब मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो जो कंसेंट मोशन था ना, उसका थोड़ा सा रिकैप भी दिखा देता हूँ, ताकि आप में से किसी बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तभी भी वो समझ पाए कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से देखो। तो मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि मैं बोला, मान लो ये कोई पुली है, ठीक है, और ये कोई डब्बा है मान लो, और ये कोई एक और डब्बा है मान लो, ठीक है। इस डब्बे को कुछ भी ए बोल दें, इस डब्बे को कुछ भी पी बी बोल दें, और इस पुली को कुछ भी पी बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो ए का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए वन है, बी का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ कितना है, ए टू है, और मैं बोल दूं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लो ए पी है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, तो ये फॉर्मूला आपको उस दिन प्रूव कराया गया था। क्या प्रूव कराया गया था? कि दिस ए वन प्लस ए टू बाय टू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली, है ना? उस टाइम मैंने आपको ये बात वेलोसिटी के टर्म में बताई थी, परंतु सेम बात एक्सेलरेशन के टर्म में भी लिखी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर की तरफ वाले एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिखे जाते हैं और नीचे की तरफ वाले एक्सेलरेशन नेगेटिव लिखे जाते हैं, ये बात भी मैं आपको उस दिन बता चुका था। अरे बता चुका क्या नहीं बता चुका यार, है ना? ये बात तो मैं बता चुका था, है ना? अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो एक सवाल आप लोगों को बोला गया इस प्रकार से, क्या सवाल बोला गया? बोला गया कि मान लीजिए ये अपने पास में ऐसे छत है, ठीक है, ये अपने पास ऐसे एक छत है, और छत से एक पुली को लटका दिया, ये फिक्स पुली है। ये कैसी है? फिक्स पुली। फिक्स पुली में क्या होता है? अगर ये A1 से नीचे तो ये A1 से ऊपर, ये A1 से नीचे तो ये A1 से ऊपर, वहां पर एक्सेलरेशन सेम ही रहते हैं, फिक्स पुली में कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है मूवेबल पुली में। दिक्कत कहां आती है? मूवेबल पुली में। अब मेरी बात सुनो, आओ। बोला क्या कि यहां से एक रस्सी निकलती है और वो जाकर के एक पुली से कनेक्टेड है, और ये रस्सी भाई साहब एक और रस्सी, ये नीचे और यहां पर एक डब्बा, यहां पर एक डब्बा, और डब्बा बोला गया मान लो एक किलो का, डब्बा बोला गया मान लो एक किलो का। बोला सर ठीक है, बात समझ आ गई आपकी, है ना? अच्छा। बोला यहां से फिर से एक रस्सी निकलती है ना, ये घूम करके ऐसे रस्सी आई यहां पर, और यहां पर एक ऐसे डब्बा, यहां पर एक ऐसे डब्बा, है ना? डब्बा बना लेते हैं, पुली बनाने के तो ज्यादा टफ हो जाएगा अभी, है ना? क्या बनाते हैं? एक डब्बा बना लेते हैं, फिर बाद में पुली बना करके भी दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? मैंने बोला मान लो ये 10 किलो का है, ये कितना है? 10 किलो का है, है ना? अब अपने पास क्या सिस्टम है? देखो ध्यान से देखो, ये 10 किलो का डब्बा, रस्सी आई, घूमी, ये पुली, और ये 1 किलो का डब्बा। बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो कितनी रस्सियां हो गई, एक रस्सी तो ये रही, तो इस रस्सी में जो टेंशन है उसको T1 बोल रहा हूं, और नीचे वाली रस्सी में टेंशन T2 बोल रहा हूं, इसके एक्सेलरेशन को A1 बोल रहा हूं, और इसके एक्सेलरेशन को A2 बोल रहा हूं। अब सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, सवाल बोला गया फाइंड आउट T1 कॉमा T2 कॉमा A1 और कॉमा A2। ये चार वेरिएबल अपने को बताने हैं, और चार वेरिएबल कैसे बता पाऊंगा? उसके लिए मुझे कम से कम चार इक्वेशन चाहिए। जब तक चार इक्वेशन नहीं पता होंगे तब तक भाई साहब ये चारों वेरिएबल मेरे लिए निकाल पाना कोई भी मुश्किल नहीं है। भाई साहब मुश्किल ही मुश्किल है भाई साहब, अगर चारों वेरिएबल चार इक्वेशन नहीं पता होंगी तो बहुत मुश्किल है, और चार पता चल जाएंगी तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बना करके दिखाता हूं, देखो कैसे बनाना है उसे, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, मैं लॉजिकली ऐसा मान लेता हूं, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक है? अगर उल्टा माना होगा तो उल्टा आंसर आ जाएगा, ठीक है? पर मैं ऐसा मान लेता हूं कि चलो मान लो ये जो 10 kg है ना वो नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन A1 से, किसी एक्सेलरेशन A1 से। बोलो बात समझ आ रही है? हाँ सर बात समझ आ रही है सर, कोई बात नहीं। अच्छा ये अगर नीचे जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से, इसका मतलब कि पुली ऊपर आ रही है A1 एक्सेलरेशन से। बोला हाँ सर बात समझ आती है। अरे फिक्स पुली है ना, एक डब्बा A1 से नीचे तो ऊपर, A1 से ऊपर, ठीक भाई बहुत बढ़िया। अब मुझे पुली का एक्सेलरेशन तो पता है, और क्या मैं इस डब्बे का एक्सेलरेशन बता सकता हूं? बोले हाँ बिल्कुल बता सकता हूं। कैसे? अब उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। कैसे करें? सुनो देखो ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं मान लो इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो A2 कितना आएगा? सुनो क्या लिखा जाएगा, और ये तो जमीन से ही अटैच है तो इसका तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो 0 + A2 और बाय 2 और इज इक्वल टू कितना? A1। तो A2 कितना आ गया? A2 आ गया 2A1। बहुत बढ़िया भाई साहब, गजब एकदम, है ना? आ गया। इसका मतलब कि डब्बा देखो पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब कि डब्बा कहां जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। कितने एक्सेलरेशन से? 2A1 से ऊपर जा रहा होगा। बात समझ आई? मैंने क्या माना था कि मान लो ये नीचे जा रहा है तो ये वाली पुली A1 से ऊपर आ रही होगी, पुली का एक्सेलरेशन मुझे पता है, इस पॉइंट का मुझे पता है, तो इस पॉइंट का मैंने बता दिया कितना? 2A1, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। सर ये फॉर्मूला सर आपने कैसे लिखा? इसका तो मैंने प्रूफ भी करवाया था कहां पर? कंसेंट मोशन की सेकेंड वीडियो में। हाँ
कंसेंट मोशन की सेकंड वीडियो में मैंने इसका प्रूफ भी कराया था, जाकर के देख के आ जाना, समझ आ जाएगा, कोई खास बात नहीं उसमें, है ना। आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो भाई, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा सुनो, अब कुछ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। मैंने बोला इसमें जो टेंशन है वो T1 है, तो काटा मारो T1 लिख दो, काटा मारो T1 लिख दो, यहाँ पर काटा मारो T2 लिख दो, यहाँ पर काटा मारो T2 लिख दो। भाई बहुत बढ़िया सर, आपकी बात बिल्कुल समझ आई। सोचो ये जो 1 किलो है इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 10 न्यूटन, ये जो 10 किलो है इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 100 न्यूटन। बोला हाँ सर, बात समझ आई। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 किलो का डब्बा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? तुम बताओ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? तो नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा है और ऊपर वाला फोर्स छोटा है। तो देखो ध्यान से देखो, नेट फोर्स क्या लिखा गया, ये लिखा गया 100 माइनस T1 इज इक्वल टू इसी का मास इनटू इसी का एक्सेलरेशन। बोला हाँ सर, बात समझ आई। एक तो ये रही, इसको दो नंबर बोल दो, एक ये रही, है ना। आ जाओ मेरी बात सुनो, और सुनो ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, ये 1 किलो वाला डब्बा कहाँ जा रहा है भाई? ये तो ऊपर जा रहा है ना, अरे ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है और नीचे वाला फोर्स छोटा है। अच्छा तो क्या लिखा गया, ये लिखा गया T2 और -10 इज इक्वल टू इसी का मास इनटू इसी का एक्सेलरेशन A2, इसी का एक्सेलरेशन A2, है ना। और A2 तो मेरे पास है पहले से, तो निकाल लूंगा, कोई खास बात नहीं है ना। और सुनो भाई साहब, अच्छा ये 2 नंबर हो गई थी, तो उसको 3 नंबर बोलो, क्या बोलो? 3 नंबर, है ना बेटा। यहाँ पर जो सारी पुली ली जाती है वो सारी कैसे ली जाती है, मासलेस ली जाती है, कोई खास बात नहीं है, है ना। तो ऊपर की तरफ देखो, इस पुली के ऊपर बैठ जाओ बेटा, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है T1, और नीचे की तरफ देखो, एक तो ये रहा T2 और एक ये रहा T2। बोलो बात समझ आ रही है, ऊपर फोर्स है T1, एक फोर्स ये रहा T2 और एक फोर्स ये रहा T2, और पुली जा रही है ऊपर विद एन एक्सेलरेशन A1, विद एन एक्सेलरेशन A1। तो मतलब कि T1 बड़ा रहा होगा ना, देखो क्या लिखा गया, ये लिखा गया T1 और माइनस का 2T2। देखो नीचे की तरफ है ना, इज इक्वल टू पुली का ही मास, और यहां पर पुली कैसे ली जाती है, मासलेस ली जाती है, और साथ में पुली का ही एक्सेलरेशन, तो ये तो हो गया 0। इसका मतलब कि T1 इज इक्वल टू 2T2, T1 इज इक्वल टू 2T2। भाई साहब देखो, 4 इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई, 4 इक्वेशन आ गई, और 4 ही इक्वेशन तो चाहिए, है ना। 4 वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 4 इक्वेशन चाहिए, और चारों की चारों में निकाल चुका हूं। अब मेरे लिए सवाल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो ना, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। इसके जैसे और कई सारे सवाल तो मैं आज दिखा दूंगा, फिर तुम लोग बोलोगे हाँ यार सर ये तो सर सही लगा, सर मजा आया, सर किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा हो कि सर ये आपने सर कैसे करा, मुझे बता देना भाई साहब, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई नीट के लिए, सवाल बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो अपने को आने चाहिए। बात समझ आई, पक्का 100%? चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा देता हूं। आओ बेटा देखो, अब तुमको पिछले वाले सवाल का ही एक थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में दिखाता हूं, देखना बहुत ही सिंपल है वो भी, है ना, परंतु देख करके ना बच्चे बहुत डर जाते हैं इस तरह के सवालों को, कह रहे पता नहीं क्या पूछ लिया, परंतु वाकई में वो सवाल बहुत आसान है। जैसे बोला गया कि एक पुली है और यहां पर हमने एक डब्बा लटका दिया, ठीक है, और मैं बोलता हूँ मान लो चलो 2 किलो का डब्बा है, ठीक है, कितने का डब्बा है, 2 किलो का डब्बा है, और यहां से रस्सी वापस घूमी और घूम करके यहां पर एक पुली से आकर के ऐसे अटैच हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, और इस पुली से एक और रस्सी निकलती है और यहां पर फिर से बोला गया कि एक और डब्बा है मान लो 2 किलो का, और बोला गया यहां पर ये रस्सी ऐसे आती है और ये डब्बा है मान लो 5 किलो का, ठीक है, इस तरह से बोला गया, और क्या क्या बोला गया कि इस वाली रस्सी में आप टेंशन T1 मान ले, इस वाली रस्सी में टेंशन T2 मान ले, ऐसा मान ले कि ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन A1 से और ये 5 किलो का डब्बा नीचे जा रहा है किसी एक्सेलरेशन A2 से। तो अब सवाल क्या पूछे गए हैं आपसे, सवाल आपसे यही पूछे गए हैं कि फाइंड, क्या फाइंड करें, बोला T1 फाइंड करें, T2 फाइंड करें, A1 फाइंड करें और A2 फाइंड करें, ठीक है। मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं स्टॉप करें, सबसे पहले तो T1 T2 A1 A2 तो बाद में निकालेंगे, पहले वीडियो को स्टॉप करें, इस डायग्राम को बनाएं और खुद से ट्राई करें भाई साहब, बाद में तो मैंने तो करा ही देना है कि नहीं भाई साहब, करो करो करो, शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे ऐसी आशा कर रहा हूं मैं, तुम मतलब कर दोगे, इसे कोई खास बात नहीं है। जो पॉइंट मेथड बताया था ना अभी, पॉइंट मेथड नहीं, जो बताया था अभी पुली मेथड बताया था, इसी का इस्तेमाल करना है, एक इक्वेशन कंस्टेंट से बनेगी तब जाकर के सवाल बैठेगा। करो करो करो, अरे कर दोगे तुम, कर दोगे, विश्वास रखो अंदर भाई साहब, मन में विश्वास रखो, मन में विश्वास रख दोगे तो सब कुछ हो जाएगा भाई साहब, करो। शिरडी वाले साईं बाबा हो गया, आया है तेरे दर पे सवाली, हुआ तुमसे, मैं कराऊं, अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, क्या क्या बोला उसने, क्या क्या बोला उसने, लिखते जाओ लिखते जाओ। बोला इसमें टेंशन को T1 मान लें, तो काटा मारो लिख दो T1, काटा मारो लिख दो T1,
बोले इस मेरे टेंशन को T2 मान ले, तो काटा मारो लिख दो T2 और काटा मारो लिख दो T2। भाई बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आई भाई, मजा आ गया, जी प्रसन्न हो गया हमारा, है ना। सुनो देखो, ध्यान से देखो, तो ये 2 किलो का जो डब्बा है बेटा, इसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन। बोला हाँ सर। ये जो 2 किलो का डब्बा है इस पर भी नीचे फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन। ये जो 5 किलो का डब्बा है इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन। बोला हाँ सर, आपकी इतनी बात तो सर समझ आती है, ठीक है। कुछ कुछ बातें जो मैंने लॉजिकली करी और वहां से जो इक्वेशन बनती है उसे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सुनो बेटा, ये जो 2 किलो का डब्बा, इसने बोला ऊपर जा रहा है, मतलब ये T1 बड़ा है, तो क्या लिखा गया, इक्वेशन क्या बनाई गई, ये बनाई गई T1 और माइनस का 20 इज इक्वल टू इसी का मास और मल्टीप्लाइड बाय इसी का एक्सेलरेशन। लो भाई, ये एक इक्वेशन बन गई, बात समझ आ गई पक्का। अरे सोच ले, मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, यहां से घुमा 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 यहां है और इस पुली का तो कोई मास है ही नहीं, इसका मतलब कि ऊपर की तरफ वाले फोर्स इक्वल टू नीचे की तरफ वाले फोर्स, तो क्या लिख दिया गया, सिंपली लिख दिया गया T1 इज इक्वल टू 2T2। बहुत बढ़िया साहब, ये दोनों हमारी क्वेश्चन हो गई, बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आती है इतनी तो, है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से देखो, तो जब मैं इस पुली की बात करता हूं ना, जब मैं इस पुली की बात करता हूं, सोच करके देखो, ये फिक्स पुली है, तो अगर ये डब्बा A1 से ऊपर जा रहा है तो ये फिक्स पुली, भाई साहब ये वाली जो मूवेबल पुली है ये A1 से नीचे जा रही होगी। बोला हाँ सर, बात समझ आती है। अब मुझे एक बात बता, इस 5 किलो का तो चलो मुझे पता है, बोला कि एक्सेलरेशन A2 है, इसका थोड़ी पता है यार, अरे इसका थोड़ी पता है, तो इस 2 किलो वाले का एक्सेलरेशन मुझे निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2। इसको बोल देते हैं पुली P2, ये है पुली P1। बोला हाँ सर, बात समझ आती है। अब इसका निकालो, देखो अब इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg कितना है, नीचे की तरफ है, तो माइनस लिया जाएगा और A2 है, बहुत बढ़िया, और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2, नीचे की तरफ है और A1 है, भाई साहब बहुत बढ़िया, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg माइनस A2 इज इक्वल टू कितना है, अच्छा माइनस का आएगा नहीं, तो कितना है, माइनस का 2A1, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, A2 माइनस 2A1। चलो अच्छा देखो, ध्यान से देखो, A2 माइनस 2A1। बोला भाई बहुत बढ़िया सर, बात समझ आती है आपकी बात तो सर समझ आई। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, आपकी बात समझ आती है। सुनो ध्यान से देखो, अब इसके लिए क्वेश्चन बनाओ, 2 kg के लिए क्वेश्चन बनाओ, क्या लिखोगे, बोलो 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 क्या लिखोगे, ये लिखोगे कितना, T2 और माइनस का 20 इज इक्वल टू इसी का मास और मल्टीप्लाइड बाय इसी का एक्सेलरेशन जो तूने निकाला। अरे जो तूने निकाला, कितना निकाला भाई साहब, ये निकाला A2 और माइनस 2A1, क्या निकाला, A2 और माइनस 2A1, तो भाई साहब एक इक्वेशन तो बन गई, ये कितनी हो गई, कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना, 3 हो गई भाई साहब, बहुत बढ़िया 3 हो गई। मैंने कहा ठीक, अब एक क्वेश्चन कहां से आएगी, यहां से आ जाएगी ना भाई साहब, ये डब्बा कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो कितना, 50 और माइनस का T2 इज इक्वल टू इसी का मास और मल्टीप्लाइड बाय इसी का इक्वेशन, है ना, ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। तो अगर ये कंसेंट वाला रिलेशन मुझे नहीं पता होता ना, तो मैं यहां अटक जाता भाई साहब, इसका एक्सेलरेशन नहीं लिख पाता और इसका एक्सेलरेशन नहीं लिख पाता, तो वो इक्वेशन नहीं बनती, इक्वेशन नहीं बनती तो सॉल्व कैसे करता, बोल बात समझ आई। तो ये कंसेंट रिलेशन मेरे को लिखने आने चाहिए, जो कि मैं पहले तुमको पढ़ा चुका हूं, इसी दिन के लिए पढ़ाया था ताकि तुमसे ऐसे सवाल बन जाए, और अभी तो मैं तुमको एक और खतरनाक सवाल दिखाने वाला हूं, और ये नहीं आएगा तो वो कैसे आएगा, बोलो बात समझ आई। कहीं पर भी लगे ना कि सर थोड़ा सा भी डाउट है, बोलो सर ये सर कैसे किया, सर आपने इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे किया, नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई खास बात नहीं। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, लॉजिकली सब कुछ सही है, कैलकुलेशन में कहीं एरर लिखे तो नीचे कमेंट कर देना कि सर यहाँ कैलकुलेशन में एरर रह गए, सर इसको बता दीजिए कृपया, तो मैं बता दूंगा, बात समझ आई पक्का। अरे सोच ले, चलो अच्छे से इसको एक बार नोट करेंगे बढ़िया ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आओ बेटा देखो, अब मैं तुम्हें एक और जानदार सा सवाल दिखाता हूँ, तुम लोग बोलोगे भाई मजा ही आ गया एकदम, है ना। सुनो, और आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं है, बस बच्चे ना इन सवालों को देखकर क्या डरते बहुत है यार, पता नहीं क्यों, है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट में दिक्कत आती है, क्लैरिटी होती नहीं है, तो बेचारे डर जाते हैं, परंतु आज के बाद अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, है ना। सुनो ध्यान से देखो, बोला गया कि यहाँ पर ना बेटा अपने पास ऐसे एक पुली है, ठीक है। बोला सर ठीक है, मान गए आपकी बात, है ना। उसके ऊपर से यहां से जाती है एक रस्सी, और रस्सी से बंधा हुआ है एक डब्बा। बोला गया कितने किलो का, बोला 10 किलो का, कितने किलो का, 10 किलो का। मैंने कहा ठीक है ओके, बहुत बढ़िया। फिर यहां से वो रस्सी घूम करके वापस आती है,
और यहां पर एक पुली है, यहां पर क्या है, एक पुली है, और वापस से रस्सी ऊपर पहुंच गई, घूम करके रस्सी ऊपर पहुंच गई, यहां पर भी क्या है, एक पुली है, वापस नीचे आई, यहां पर भी क्या है, पुली है ना, और भाई साहब रस्सी वापस पहुंच गई और जाकर के लग गई ऊपर, है ना, और ये पुली भाई साहब ऐसे ऊपर, ये भी पुली ऐसे अटैच्ड है ना, और बेटा एक डब्बा यहां पर है, देखो ऐसे एक डब्बा ये रहा, ये रहा, अरे ये रहा 5 किलो का, ओके ये इससे ऐसे अटैच्ड है ना, ये इससे ऐसे अटैच्ड है, बोला भाई ठीक है बहुत बढ़िया है ना। अब इस सिस्टम को बोला हमने ऐसे रिलीज कर दिया, तो क्या बोला, देखो ये एक ही रस्सी है बेटा, देख सुन यहां से ऐसे ट्याओ 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 ट्याओ, इस रस्सी में बोला टेंशन को टी मान ले, क्या मान ले, टी मान ले, और दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन कुछ भी A1A2, कुछ भी A1A2 है ना, इसके एक्सेलरेशन को बोला मान लो A1 है, इसके एक्सेलरेशन को बोला मान लो A2 है, तो सवाल आपसे यही पूछे गए, सवाल क्या पूछे गए, सवाल पूछे गए फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट A1 एंड फाइंड आउट A2, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ये सवाल आपको बोला गया। बेटा जानते हो इस सवाल को सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसको स्ट्रिंग और पुली का कंसेंट पता होगा, है ना, और इसके लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, नीचे पड़ी हुई है भाई साहब, है ना। इसके अलावा जब तुम चैनल पर जाकर के जब सर्च करोगे उसको प्लेलिस्ट में, तो तुमको मिल जाएगी, या फिर तुम लोग सीधा यूट्यूब पर टाइप कर सकते हो कंसेंट मोशन फन विद फिजिक्स, या कंसेंट मोशन बाय दीपक गुप्ता सर, मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है ना, ऐसे टाइप कर लेना कंसेंट मोशन फन विद फिजिक्स, मिल जाएगा तुमको, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो करते हैं उसको, देखो है ना, आप करने का प्रयास करते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ाइए, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, लेकिन कोई खास बात नहीं, देख लेना उसको, ठीक है। सुन, बोला हाँ सर, सर आपकी बात तो समझ आती है, सुनो वहां पर मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, एक पॉइंट मेथड पढ़ाया था, उस पॉइंट मेथड का मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं, कैसे, सुनो आ जाओ देखो। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो मान लो ये 10 किलो वाला जो डब्बा है ना बेटा, ये मान लो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन A1 से, और ये जो 5 किलो का डब्बा है ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन A2 से। हाँ सर ठीक है, बात समझ आई आपकी। अच्छा ये जो 5 किलो का डब्बा है इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन, ये जो 10 किलो का डब्बा है इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा 100 न्यूटन। बोला हाँ सर ये बात भी सही है। अच्छा इस टेंशन को कुछ भी टी बोलने को बोला है, तो ये भी हो जाएगी टी, ये भी हो जाएगी टी, ये भी हो जाएगी टी, और ये भी हो जाएगी टी। इस पुली की बात सुनो, देखो ऊपर है 2T, तो यहां पर नीचे भी हो जाएगी 2T। इस पुली की बात सुनो, ऊपर है 2T, तो यहां भी नीचे हो जाएगी 2T। चलो अब इन दोनों डब्बों की इक्वेशन लिख देते हैं। सुनो पहले इस वाले 10 किलो वाले डब्बे की इक्वेशन लिखो, देखो क्या बनेगी, ये बनेगी 100 माइनस का टी इज इक्वल टू इसी का मास और मल्टीप्लाइड बाय इसी का एक्सेलरेशन। बोला सर ठीक है, बात समझ आई है ना। अब देख 5 किलो वाले डब्बे की बात सुन, 5 किलो डब्बा ऊपर जा रहा है कितने फोर्स से, 2T + 2T 4T भाई साहब, तो 4T और माइनस का 50 इज इक्वल टू इसी का मास मल्टीप्लाइड बाय इसी का एक्सेलरेशन। अब पंगे फंस गए भाई साहब, वेरिएबल हो गए 3, एक तो टी, एक A1 और एक A2, और इक्वेशन बनी सिर्फ 2। अब क्या करूं भाई साहब, अब अपने प्राण कौन बचाएगा, कंसेंट बचाएगा भाई साहब, कौन बचाएगा, कंसेंट बचाएगा। और सबसे बढ़िया बात बताए, कौन बताएगा भाई साहब, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, पॉइंट मेथड बचाएगा, कौन बचाएगा, पॉइंट मेथड बचाएगा। कैसे बचाएगा पॉइंट मेथड, चलो सारे पॉइंट्स मार्क कर देंगे हम स्ट्रिंग के ऊपर, लो येलो 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 और येलो, रस्सी के ऊपर हमने सारे पॉइंट मार्क कर दिए। अब क्या देखेंगे कि उस पॉइंट को पकड़ पकड़ के देखेंगे कि उस पॉइंट के मोशन की वजह से क्या हो रहा है, रस्सी के उस सेगमेंट की लंबाई बढ़ रही है कि घट रही है। ये सारी बातें मैं डिटेल में कर चुका हूं यार, यहां पर उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर मन करे कि ज्यादा डिटेल में देखना है, इस तरह के सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए, तो वीडियो देख लेना ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जो प्लेलिस्ट है ना ALM की, उसकी दूसरी वीडियो में बहुत खतरनाक ढंग से बता रखा है। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये डब्बा कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो ये पॉइंट भी कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इस सेगमेंट की लंबाई बढ़ा रहा है। तो भाई साहब प्लस का A1, प्लस का A1, ये तो मूवी नहीं कर रहा, ये तो मूवी नहीं कर रहा, जीरो जीरो। ये डब्बा सुनो, ये डब्बा कहां जा रहा है, A2 से ऊपर आ रहा है, मतलब ये पॉइंट भी A2 से ऊपर आ रहा है, मतलब इसकी लंबाई को घटा रहा है। माइनस का A2, ये भी देखो ऊपर आ रहा है तो इसकी लंबाई को घटा रहा है। माइनस का A2, ये जीरो और ये जीरो। ये पॉइंट देखो, डब्बा ऊपर आ रहा है A2 से, तो ये पॉइंट भी ऊपर आ रहा है, तो इस वाली लंबाई को घटा रहा है। माइनस का A2, ये पॉइंट भी ऊपर आ रहा है, तो माइनस का A2, और कुल मिला के सारे जितने जीरो भाई साहब, क्योंकि तो मूवी नहीं करा तो लिखा नहीं वहां पे, है ना।
और कुल मिला के सारे एक्सेलरेशन का सम कितना? जीरो। तो ध्यान से देखो भाई साहब, तो A1 is equal to 4A2, अरे A1 is equal to 4A2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो ध्यान से देखो, तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, अब तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, है ना। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें समझ आ गया होगा। स्विंग और पुली के भाई साहब जितने वैरायटी के सवाल जैसे भी पॉसिबल हो सकते थे मैंने लगभग लगभग सारे सवाल कवर करने की कोशिश करी है। बाकी हाँ, कोई कदा छूट गया तो उसको वापस से करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। कोई भी ऐसा कंटेंट जो पेड कोचिंग में दिया जा रहा हो, ऐसा कोई भी कंटेंट में दबाने वाला या छुपाने वाला नहीं हो भाई साहब। इस चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा, ऑर्डर में अरेंज किया हुआ मिलेगा, ये खासियत है भाई साहब। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं जिसकी अपने को जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट निकालने के लिए जरूरत है भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। टॉपिक कवर करूंगा तो ढंग से करूंगा, पर नहीं तो थोड़ा टाइम लगा करके कवर करूंगा, परंतु भाई साहब क्लियर करूंगा एकदम ढंग से, बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक। क्या मैं समझो, हमें बात समझ आई? पक्का पक्का। और यहां तक आए तो हमें समझ तो सारा आया होगा, और समझ सारा आया हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा तुम्हें पढ़ाया हुआ भाई साहब, समझ आया कि नहीं आया ढंग से एकदम, है ना। और अगर यहां तक आ गए हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना भाई साहब, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि तुमको सारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहे। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।